नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस खास शो में। कनाडा के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, वेट कर रहे हैं, खास करके जैन इनटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस पेंडेंसी को लेकर फाइल लगाने से पहले भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट इनटेक की फाइल लगाई जाए, डेफर करना पड़ेगा या क्या होगा। ये सारी स्थितियों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह बाल। रंजीत जी स्वागत है। नमस्कार जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस को वेलकम। रंजीत जी, जनवरी इनटेक के जो रिजल्ट्स पेंडिंग है, वो जनवरी इनटेक में जिन्होंने फाइल लगाई है उनको तो परेशान कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जिन्होंने फाइल लगानी है उनके डिसीजन पे भी असर डाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल दीपक जी, अगर पेंडिंग रिजल्ट की बात करते हैं तो नो डाउट काफी बच्चे हैं जो पेंडिंग रिजल्ट की वजह से ही अपनी एप्लीकेशन को होल्ड करके बैठे हैं कि पहले रिजल्ट अभी धीरे आ रहे हैं या क्या सिनेरियो चल रहा है, उसके बाद डिसाइड करें। वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि उन बच्चों को थोड़ा अपना जो प्रेफरेंस वो पहले रखनी चाहिए, क्योंकि जो अभी जो पेंडिंग रिजल्ट की बात करते हैं तो जैन टेक के काफी हद तक रिजल्ट आ चुके हैं। अभी पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि इसको क्लियर होते होते अभी एक महीना कम से कम और लगेगा। तो हम फैब एंड की बात करें, मगर फैब के 7-8 दिन रह गए हैं बाकी। सो अभी अगर बात करें तो जो फैब स्टार्टिंग से रिजल्ट है दीपक जी, जो कनाडा के हैं पीपीआर रिक्वेस्ट की अगर बात करते हैं, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट की, वो काफी फास्ट हुए हैं। अगर आप कंपेरिजन करते हैं जैन मंथ से, जैन में क्या था, AIP फास्ट ट्रैक हुए थे, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्टें स्लो हो चुकी थी। लेकिन अब AIP रुक चुके हैं, अब है पासपोर्ट रिक्वेस्टों की बारी। पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो आ रही हैं, जनवरी इनटेक के जो बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों के वीजा भी लग रहे हैं। लेकिन अब पेंडेंसी क्लियर होते होते मार्च आ जाएगा पूरा। सो मार्च एंड तक जो जनवरी इनटेक के रिजल्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हाई कमीशन ने ऑलरेडी प्रोसेसिंग टाइम जो है 9 वीक कर दिया है आफ्टर बायोमेट्रिक। यहाँ कई बच्चे कॉल करते हैं, अलग अलग लाइव शो में मुझे कॉल आती है कि हमें 9 वीक हो चुके हैं, जब पता चलता है कि बायोमेट्रिक हुए तो अभी 15-20 दिन हुए हैं, जो एक मंथ ही हुआ है। सो वो जो टाइम फ्रेम है आफ्टर बायोमेट्रिक आपका इंक्लूड होना है, कि बायोमेट्रिक के बाद का टाइम फ्रेम। लेकिन 100% एप्लीकेशन के लिए वो फाइनल नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रोविजनल टाइम होता है। सो मैं ऐसा उसको फुल एंड फाइनल नहीं कह सकते। उससे पहले भी रिजल्ट आए हैं बच्चों के बायोमेट्रिक के, 10-15 दिन बाद भी रिजल्ट है। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है कि जैन इनटेक की पेंडिंग रिजल्ट का क्या सिनेरियो, तो राइट नाउ रिजल्ट फास्ट आ रहे हैं, अभी स्लो नहीं हुए। आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं तो मार्च एंड तक सभी जैन इनटेक वाले बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने डेफर नहीं किया, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं अपना प्रूफ लगा दो तो आपके रिजल्ट मार्च एंड तक आ जाएंगे। अगर आपने डेफर कर दिया है देन यू नीड टू वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपका रिजल्ट प्रायोरिटी में नहीं है, आप मेरिट टेक वाले बच्चे हो, तो आपका जो रिजल्ट है हो सकता है अप्रैल एंड तक आ जाएगा। अब पेंडेंसी जो है उम्मीद है कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, और काफी अच्छी न्यूज है। आपको ओवरऑल मार्केट में देखेंगे तो आपको काफी वीजा कॉपीज या पासपोर्ट रिक्वेस्ट को लेकर जो बच्चे हैं वो बात करते हुए देखेंगे, या अलग अलग लाइव शो के टॉप चैट में बच्चे बात करेंगे कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है। बिल्कुल हाँ, ये सिनेरियो है कि पेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए मार्च एंड तक क्लियर होते होते जैन इनटेक को लग जाएगा। जी, तो जो अभी स्टूडेंट्स रुके हुए हैं ये सारी पेंडेंसी को देखकर, उनको क्या गाइड करेंगे, कौन से इनटेक के लिए अप्लाई करें? देखिए, जो स्टूडेंट रुके हुए हैं, यहाँ तो मैं क्लियर एडवाइस कर दूं कि रुकने का फायदा तब है जब काम नहीं हो रहा। एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, सितंबर इनटेक की डेडलाइन भी अनाउंस हो चुकी है, अप्रैल तक आपको एडमिशन सिक्योर कर लेनी चाहिए, सितंबर मिलेगा नहीं। तो जो तो रुके हुए बच्चे वेट कर रहे हैं कि मेरा कजन जाएगा या मेरा कोई रिलेटिव जाएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो आपका गैप जो है ना वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। क्योंकि 2020 पास आउट तो ठीक है, सितंबर लगा लेगा, लेकिन जब सितंबर भी निकल गया तो आपका 21 में एक साल पूरा हो गया, तो आगे चल के दूसरा साल शुरू हो जाएगा। सो गैप को मत डालने दीजिए, गैप आएगा तो आपका जनरल स्टूडेंट ना होने का ऑब्जेक्शन हाई कमीशन लगा देता है समटाइम्स। सो इस चीज को ध्यान से रखिए, ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए, रिजल्ट तो आने हैं, बायोमेट्रिक भी हो रहे हैं, तो आपको वेट करने का कोई लॉजिक नहीं है कि आप वेट किस चीज के लिए करनी है। सो जब सारा प्रोसेस है ये ऐसे ही चलना है, अगर आप सोच रहे हो कि 10 दिन बाद हफ्ते में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो नहीं होना। इस पूरा साल में प्रोसेस ऐसे चलना है कि आपका एवरेज टाइम 1.5-2 महीने रहेगा। सितंबर इनटेक की फाइल्स को लेके शायद फास्ट रिजल्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सितंबर का प्रोसेस ही अप्रैल के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको सीट ही नहीं मिलेगी, फिर आप जैन पे चले जाओगे। सो इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप अपनी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9041090410। आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, लुधियाना, अमृतसर और जलंधर आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। जी, सो दोस्तों, हम समझते हैं कि चीजें जिस तरीके से बदल रही हैं, आपको कंफ्यूज होना आपका काफी हद तक जायज भी है। सो हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए और फैसला लेने में आपकी मदद कर सके। धन्यवाद।
नमस्कार।